ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାଲି, ପୂର୍ବ ଇଏରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 14 ଶ୍ଳୋକ ଯାଇଛି। ଯାହା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିପାରିନାହୁଁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ, ଏବେ 14 ଶ୍ଳୋକ ପରେ ଆଜି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଭଗବଦ୍ଗୀତାଥ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ସଂଜୋ ବାଚ ଜନ୍ୟଂ ଋଷିକେଶୋ ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟ ପୁନରଂ ଦଧ୍ମୌ ମହାଶଙ୍ଖଂ ଭୀମକର୍ମାବୃକୋଦର। ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ଋଷିକେଶୋ ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟ ପୁନରଂ ଦଧ୍ମୌ ଅନନ୍ତ ବିଜୟଂ ରାଜା କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନକୁଳ ସଦେବଶ ସୁଘୋଷ ମଣିପୁଷ୍ପକ। ଅନନ୍ତ ବିଜୟଂ ରାଜା କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନକୁଳ ସଦେବଶ କାଶ୍ୟଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱାସ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚ ମହାରଥ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନୋ ବିରାଟଶ୍ଚ ସାତ୍ୟକୀଶ୍ଚ ପରାଜିତ। କାଶ୍ୟଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱାସ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚ ମହାରଥ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନୋ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦୋ ଦ୍ରୌପଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ବଶଃ ପୃଥିବିପତେ ସହୋଦ୍ରଶ୍ଚ ମହାବାହୁ ଶଙ୍ଖାଂ ଦଧ୍ମୌ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍। ଦ୍ରୁପଦୋ ଦ୍ରୌପଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ବଶଃ ପୃଥିବିପତେ ସହୋଦ୍ରଶ୍ଚ ମହାବାହୁ ସଘୋଷୋ ଧାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟା ନିବ୍ୟଧାରୟତ୍ ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିବୀଂ ଚୈବ ତୁମୋଳବ୍ୟନୁନାଦୟନ୍। ସଘୋଷ ଧାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟା ନିବ୍ୟଧାରୟତ୍ ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିବୀଂ ଚୈବ। ଅଥ ବ୍ୟବସ୍ଥିତାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ କପିଧ୍ୱଜ ପ୍ରଭୃତେ ଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପାତି ଧନୁରୁଦ୍ୟମ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ। ପ୍ରଭୁତେ ସମ୍ପାତି ଧନୁରୁଦ୍ୟମ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ। ଋଷିକେଶଂ ତଦା ବାକ୍ୟମିଦମାହମହିପତେ ଅର୍ଜୁନବାଚ ସେନୟୋରୋଭୟୋର୍ମଧ୍ୟେ ରଥଂ ସ୍ଥାପ୍ୟୟମିଚ୍ୟୁତ। ଋଷିକେଶଂ ତଥା ବାକ୍ୟମିଦମାହମହିପତେ ଅର୍ଜୁନବାଚ ସେନୟୋରୋଭୟୋର୍ମଧ୍ୟେ ରଥଂ ସ୍ଥାପ୍ୟୟମିଚ୍ୟୁତ। ଯାବଦେତା ନିରୀକ୍ଷେୟଂ ଯୋଧୁକାମାନବସ୍ଥିତାନ୍ ୟୋଧବ୍ୟମସ୍ମିନ୍ ସମୁଦ୍ୟମେ। ୟୁଚ୍ୟମାନବୀକ୍ଷେ ଅଙ୍ଗ୍ୟଏତ୍ର ସମାଗତା ଧାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଯୁଧି ପ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସବାଷ୍ଟ୍ରୁ
आलोचना करथिले एई श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम आलोचना करथिले धृतराष्ट्र पचारुचंदे संजय को धर्मक्षेत्र नाम कुरुक्षेत्र रे उपस्थित होइतिबा मोर बा पंडुकर जो सेना माने उपस्थित होइचंदि वर्तमान सेतारे कोण चली अछि एवं संजय तांको प्रतिउत्तर रे कहिचंदि दुई पक्षर योद्धा मानक नाम नैचंदि एपट पक्ष एवं से पक्षर दुई पक्षर योद्धा मानक नाम नै तापर कहिचंदि जे युद्ध करबा पई भीष्म निजर शंख बजाइचंदि तापर अर्जुन एवं कृष्णंकर मध्य शंखध्वनि आरंभ होई एई पर्यंत आमर आलोचना होता वर्तमान तापरठारु आमे आलोचना करिबा पंचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकरमावृकोदर हेले श्रीकृष्ण परमात्मा पंचजन्य नामक अर्जुन देवदत्त नामक एवं भयानक कर्म साधनाकारी भीमसेन पौंड्र नामक महाशंख बजाइले एका संगे भगवान कृष्ण अर्जुन एवं भीम तीनोटी शंख बजाइले महाप्रभु श्रीकृष्णकर हला पंचजन्य शंख अर्जुनकर हला देवदत्त शंख एवं भीमंकर हला पौंड्र नामक महाशंख पौंड्र नामक शंख बजाइबा आरंभ कले तापर कौन है अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुग सोमणि पुष्पकौ कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक एवं नकुल और सहदेव यथाक्रमे सुघस और मणिपुष्पक नाम शंख बजाइले तापर कौन कले ना धर्मराज युधिष्ठिर कुंती पुत्र युधिष्ठिर अनंत विजय नामक गोटे शंख बजाइले एवं नकुल और सहदेव सुघोष शंख एवं मणिपुष्पक पुष्पक शंख बजाइले तापर काश्यश्च परमेश्वास श्रीखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सत्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वसहपृथिवीपते
सौभद्रश्च महाबाहो संघान दद्मो पृथक पृथक श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज महारथी शिखंडी दृष्टदुम्न राजा विराट अजय सात्यकी राजा द्रुपद द्रौपदी पांच पुत्र एवं सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु मध्य से स्थान उपस्थित थिले। हे राजन ये समस्त सकल दिगर पृथक पृथक शंख बजाइले समस्ते एका सांगरे निज निजर शंख वाद्य कले। स घोष धात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नवच्च पृथ्वीं चैव तुमूल व्यनुनादयन् सही भयंकर शब्द आकाश ओ पृथ्वी को प्रतिध्वनित करी दुर्योधन आदि कौरव मानकर हृदय विदीर्ण करदेला। एका सांगरे जो शंखर वाद्य कौरव मानकर हृत्कंपन सृष्टि कला। तो अथ व्यवस्थित दृष्ट्वा धात्र राष्ट्रान कपि ध्वज प्रभृते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरु भयोर मध्ये रथं स्थापय मे च्युत। अरे हे राजन यहाँ पर व्यूह रचना पूर्वक युद्ध करने को प्रस्तुत हो रही धृतराष्ट्र संबंधियों मानू देखी शस्त्र प्रयोग करने को जाऊ समय कपिध्वज अर्जुन निज धनु उठाई ऋषिकेश श्रीकृष्ण को भगवान को कहले हे अच्युत मो रथ को नहीं दुई सेना को मध्य ठिया कर। जितेबले निजर सका निजर बंधु मान देखी अर्जुन श्रीकृष्ण को कौन हे सखा मो रथ को लेकिन दुई सैन्य मझीरे ठिया कर कौन पर ठिया करेंगे ना जावद्यता निरीक्षे हंग योधु कामान अवस्थितान करमैया जह सह योधमे अस्मिन रण समुद्यमे। यही युद्ध रूपक व्यापार रे मोते कहा कहा सहित युद्ध करबा को हेबो युद्ध क्षेत्र रे ठिया होइथिबा सही युद्ध अभिलाषी विपक्षी योद्धा मान को जे पर्यंत मु भल रूप रे देखी चिन्ह न नैछि से पर्यंत रथ ठिया करांतु। अर्जुन कहुचंदि मु टिके चिन्हिबी वर्तमान की किए मो विपक्ष रे युद्ध करिबी ताको भल भाव रे न चिन्हला पर्यंत मो रथ इ ठिया हबो। आ कोन कहिले ना जच्चा मान नवेक्षेहं जये तत्र समागताः धात्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकिर सब। दुर्बुद्धि युद्ध दुर्योधनर युद्ध हिताकांक्षी हो जो राजा मैंने यही सेनारे आसी से ही योद्धा मान को मुझे भल कर देखी। अच्छा दुर्बुद्धि दुर्योधनर जो दुर्बुद्धि को समस्ते सहमति युद्ध करने आज मो सम्मुखे ठिया होती मुझे से भल भाव देखी बोली किए ना अर्जुन कहते महाप्रभु श्रीकृष्ण को। संजय उवाच संजय कहले एव मुक्त्वा ऋषिकेश गुड़ा केशेन भारत सेन योरु भयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पैश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय कहले हे धृतराष्ट्र हे राजन अर्जुन एपरी कहिबारु भगवान श्रीकृष्ण दुई सेना का मध्यरे भीष्म ओ द्रोणाचार्य को सम्मुखरे तथा समस्त राजा को सम्मुखरे उत्तम रथटि ठिया कराई दे कहिले हे पार्थ युद्ध पई एकत्रित होइथिबा एही कौरव मानकु देख। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कथारे रथ को नहीं दुई सेना का मध्यरे रखी देइछन्ति पुनी कोउ जागारे ना गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म को सामनारे रखी दे योद्धा मानकु देखौछन्ति कहउछन्ति देख तत्रापस्य स्थितान पार्थ पितृनाथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान संखिस्तथा स्वशोरान श्रुदेश्चैव सेनयोरु भयोरपि तान समीक्ष सौकुन्तेय सर्वान बन्धून अवस्थितान। तापरे पृथा पुत्र अर्जुन से उभय सेना मध्य विद्यमान पितृ पितामह आचार्य मामू भाई पुओ नाती मित्र श्वशुर ओ सुहृद मान को देखा पाइले से जो विराट सेना आगे आज उपस्थित महावीर अर्जुन देखिले कहाँ को ना नाम निजर पिता निजर पितामह गुरु निजर नाती मानक सब आज युद्ध क्षेत्र में अर्जुन देखुं अर्जुन उवाच दृष्टमे स्वजनम कृष्ण जुजुश्च समुपस्थितम। सही उपस्थित समस्त बंधु को देखी
कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा परवश हो शोक करू करू कहिले कौन कहिले हे कृष्ण युद्ध क्षेत्र में दृढ़ भाव दंडायमान होता यह युद्धाभिलाषी स्वजन समुदाय को देखी मोर अंग मान शिथिल हो जाऊँ मुख सुखी जाऊँ और देहरे कंप तथा रोमांच जात हो जो स्थान नहीं आज महाप्रभु श्रीकृष्ण अर्जुन को विद्यमान करिया कराई एवं अर्जुन जितेबाला देखी जाइंट मो सामन मोर बापा बड़ बापा भाई मामू नाती पुओ यही माने सब ठिया होती आई सहित युद्ध करी युद्धर परिणाम से जानते वीरगति प्राप्त करवा मरबी ना मरबे आने मरबे मो हाथ में मोरी हाथ में मो पितामह मो पुत्र मो भाई मो बंधु ये मुँह मारि ये सब देखिकी देह शीतल हो जा भगवान कृष्ण पाखे से निश्चल हो जाइंट कौन करेंगे युद्ध को नहीं आर परवर्ती विचार आम आगामी अध्याय करवा भगवत वासुदेव विश्वर मंगल विधान करंतु बोल आनंदे भगवती माँ विलासिनी देवी प्रति अर्थ बोल आनंदे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।